इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में बुधवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। इस जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने ओपनर रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ की। उन्होंने कहा, यह मैच चुनौतीपूर्ण था। टीम के लिए एक सही शुरुआत जरूरी होती है। हमने सब कुछ अच्छा किया, इसलिए ये जीत मिली। हमें ज्यादा रन रेट से रन नहीं बनाने थे, लेकिन पिच की कंडीशनर को देखते हुए यह लक्ष्य चुनौतीपूर्ण था। रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली, यह एक प्रोफेशनल जीत रही। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता कर बल्लेबाजी का फैसला किया। बुमराह ने हाशिम अमला और क्विंटन डी को जल्द ही पवेलियन भेज दिया। कोहली ने कहा, अफ्रीकी टीम दो हार के साथ मैच में उतरी थी, इसलिए यह जरूरी था कि हम शुरुआती 15 ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करें। बुमराह अलग ही स्तर पर खेल रहे हैं। जिस तरह हमारे गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को दबाव में रखा, उसका श्रेय बुमराह को जाता है। बाद में युजवेंद्र चहल ने भी शानदार गेंदबाजी की। मुश्किल परिस्थितियों में रोहित की पारी खास रही। टीम इंडिया के कप्तान ने कहा, पहली जीत हमेशा ही अहम होती है। हम टीम के तौर पर आत्मविश्वास में थे, लेकिन बल्लेबाजी करते हुए हमें सावधानी बरतनी थी। उनके गेंदबाजों के पास विकेट निकालने की क्षमता थी। मुश्किल परिस्थितियों में रोहित की पारी खास रही। उन्होंने जिम्मेदारी खूबसूरती से निभाई। राहुल ने भी बेहतर खेल दिखाया। महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत ही शांत तरीके से खेले और हार्दिक ने मैच को अच्छे से खत्म किया। डी को का कैच लेने के बाद 15 मिनट तक मेरे हाथ कांप रहे थे। कोहली ने बुमराह की गेंद स्लीपर में डी को का कैच लिया। इस कैच के बारे में उन्होंने कहा, उस कैच को पकड़ने के बाद 15 मिनट तक मेरे हाथ कांप रहे थे। जिस तरह बुमराह ने गेंदबाजी की, वह लाजवाब थी। कभी मैंने वनडे में हाशिम अमला को इस तरह आउट होते नहीं देखा। यहां तक डी को भी उन्होंने अपनी तेजी से परेशान कर दिया। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।